Welcome back to the channel, everyone. I hope you guys, you're doing absolutely fine. अब यहाँ पर आपको बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन खरीदने के लिए 20 से 25,000 नहीं पे करना पड़ेगा। ओनली फॉर आपको 12 से 13 की रेंज में एक बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन मिल जाएगा, जहाँ पर आप लोग BGMI COD जैसे गेम को वेरी हाई स्मूथ ग्राफिक में खेल पाओगे। इनफ यहाँ पर आप 60 FPS ग्राफिक्स में खेल पाओगे, वो भी BGMI जैसे गेम को। और यहाँ पर आपको बड़ी बैटरी बैकअप देखने के लिए मिल जाएगी, साथ में यहाँ पर आपको 30W का चार्जर भी मिलेगा। एंड यहाँ पर AMOLED डिस्प्ले, फास्ट रिफ्रेश। तो अगर आपको ऐसा ही स्मार्टफोन चाहिए अंडर ₹12,000, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन अंडर ₹12 की, तो इस वीडियो को पूरा वॉच करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं सब्सक्राइब का बटन दबा के। ओके, तो यहाँ पर पहला स्मार्टफोन है मैक्रोमैक्स का, मैक्रोमैक्स इन नोट 2। सबसे पहले इसका डिजाइन देखो, इस फोन का डिजाइन बहुत ही ज्यादा सुंदर है, ग्लास बैक फिनिशिंग के साथ आता है। डिजाइन बिल्कुल आपको फ्लैगशिप स्मार्टफोन जैसा मिलता है, तो इस फोन का डिजाइन ओके है और इस डिजाइन के लिए 1 लाख तो बनता है। एंड यहाँ पर आपको फ्रंट में 6.43 इंच का फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है। और यहाँ पर आपको मैक्रोमैक्स का ये पहला स्मार्टफोन है जिसमें आपको AMOLED डिस्प्ले मिलता है, वो भी इतना कम प्राइस में। और यहाँ पर पहले बताता हूँ, ये स्मार्टफोन इंडियन स्मार्टफोन है, यानी कि दिस इज इंडियन स्मार्टफोन, नॉन चाइनीज स्मार्टफोन। तो जिन लोगों को चाहिए एक इंडियन स्मार्टफोन, वो भी पावरफुल गेमिंग के साथ, तो यहाँ पर आपके लिए ये स्मार्टफोन बेस्ट हो सकता है। इस वाले फोन में मोस्ट पावरफुल चिपसेट यूज किया गया है, वह है MediaTek का हेलियो G95 का, जो कि काफी लेटेस्ट और पावरफुल चिपसेट है, जहां पर आप लोग किसी भी गेम को वेरी हाई स्मूथ ग्राफिक में खेल पाओगे। अगर हम BGMI गेम को टेस्ट करें, तो यहां पर स्मूथ प्लस अल्ट्रा में खेल पाओगे और लैग और हीटिंग बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिलेगा। जारो बहुत ही अच्छा से वर्क करता है, अगर आप देखेंगे ना तो बहुत ही अच्छा से वर्क भी करता है, ढीला भी परफॉर्म नहीं करता है। एंड यहाँ पर आपको लेटेंसी भी देखने के लिए नहीं मिलता है, हीट भी नहीं होता है। तो ये स्मार्टफोन गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है, बड़ी बैटरी बैकअप देने की है, तो यहाँ पर आप लंबी समय तक एंजॉय कर पाओगे। 5 mAh की बड़ी बैटरी और यहाँ पर आपको 30W का चार्जर भी मिल जाता है। और इस वाले फोन में आपको क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है, यानी कि कोई भी फालतू का नोटिफिकेशन, ब्लूटूथ एड्स देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो बैटरी बैकअप काफी लंबी है, क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड है, साइड मोटर का भी सेंसर है और यहाँ पर आपको लिक्विड कूलिंग का भी सिस्टम मिल जाता है, यानी कि अगर आप लंबे समय तक गेम को खेल रहे हैं और थोड़ा सा भी हीट होता है, तो ये जो लिक्विड कूलिंग का जो सिस्टम दे रखा है, इससे मोबाइल आपका बहुत ही ज्यादा कूल कर देगा। तो ये चीज मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बाकी डिस्प्ले 1 नंबर है और इस वाले फोन का कैमरा भी बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा डिसेंट परफॉर्म करता है। 48 MP का 4-year कैमरा है, 16 MP सेल्फी कैमरा है, 4GB का रैम है, 64GB का रोम है, अलग अलग 20 मिनट में मिल जाएगा, आप अपने प्राइस के अकॉर्डिंग देख लेना। अब बात करते हैं ये स्मार्टफोन बेस्ट है या नहीं। देखो, ये स्मार्टफोन मैक्रोमैक्स की तरफ से पहला स्मार्टफोन है जो इतना कम दाम में आपको बहुत ही तगड़ा स्पेक्स देखने के लिए मिलता है। पहले इसका प्राइस था 12,499, बट अभी जैसे मैंने फ्लिपकार्ट पे चेक किया तो अभी लेटेस्ट दिखा रहा है 13,499, यानी कि 1,000 इंक्रीज हो गया है। और अगर आप ऑफर में लेते हैं, यानी कि डेबिट कार्ड यूज करके, तो लगभग आपको 12,500 के आसपास मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है, तो ये स्मार्टफोन उन लोगों के लिए बेस्ट होगा जिसे चाहिए एक बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन, वो भी इंडियन स्मार्टफोन, रियलमी नार्जो 50, जो कि आज ही इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ है। और रियलमी में भाई ऑसम स्मार्टफोन है, बहुत ही कम प्राइस में आपको अच्छा स्पेक के साथ देखने के लिए मिल जाता है। चलिए बात करते हैं क्या कुछ खास देखने के लिए मिलता है। तो पता ही होगा रियलमी का नार्जो सीरीज बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन सीरीज होता है, तो ये स्मार्टफोन गेमिंग के लिए काफी बेस्ट स्मार्टफोन होगा, जहां पर आप लोग किसी भी गेम को वेरी हाई स्मूथ ग्राफिक में खेल पाओगे। इस वाले फोन में आपको MediaTek का हेलियो G96 वाला चिपसेट मिलता है और आपको पता ही होगा ये चिपसेट मोस्ट पावरफुल चिपसेट है। अपडेट आने के बाद यहाँ पर BGMI गेम को 60 FPS ग्राफिक्स में खेल पाओगे, लेटेंसी लैग बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिलेगा और डिस्प्ले के अंदर 120Hz का अल्ट्रा फास्ट रिफ्रेश रेट है। तो स्मार्टफोन काफी बढ़िया है, डिस्प्ले का क्वालिटी 1 नंबर है, काफी हद तक स्मूथ है, गेमिंग को भी काफी इनहेंस स्मूथ कर देता है। 5 mAh बड़ी बैटरी बैकअप के साथ आती है और यहाँ पर आपको कैमरा भी ओके देखने के लिए मिल जाता है, 50 MP का A1 AAA कैमरा, 16 MP का सेल्फी कैमरा, 4GB का रैम है, 64GB का रोम है। देखो, ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है, नार्जो सीरीज गेमिंग के लिए बहुत ही तगड़ा सीरीज होता है,
120Hz का अल्ट्रा फास्ट रिफ्रेश डिस्प्ले है। अगर एमोलेड होता तो और भी ज्यादा खास होता। यहाँ पर आपको 180Hz का टच सैंपलिंग भी मिल जाता है, जहाँ पर गेम खेलने में काफी ज्यादा आपका हेल्प करेगा। यहाँ भी आप बीजी में जैसे सीओडी जैसे गेम को काफी हाई स्कोर ग्राफिक में खेल पाओगे। अगला स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स का इन्फिनिक्स नोट 11S और ये स्मार्टफोन बजट प्रीमियम गेमिंग स्मार्टफोन है। इस स्मार्टफोन का पैकेज बहुत ही अच्छा है और आपको पता ही होगा इन्फिनिक्स पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं अपने डिवाइस में। तो ये वाला स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। चलिए बात करते हैं क्या कुछ खास देखने के लिए मिलता है दिस स्मार्टफोन में। और मैं आपको मिलता है मीडियाटेक का हेलियो G96 वाला चिपसेट जो कि लेटेस्ट है, काफी पावरफुल चिपसेट है। डे टू लाइफ में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। इनफ यहाँ पर आप किसी भी गेम को वेरी हाई स्कोर ग्राफिक में भी खेल पाओगे। लैग और हीटिंग देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पर आपको 120Hz का अल्ट्रा फास्ट रिफ्रेश रेट, 180Hz का टच सैंपलिंग, डिस्प्ले स्मूथ है जिससे गेम खेलने में वीडियो देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। वीडियो देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा क्योंकि डिस्प्ले का साइज काफी लंबी है, 6.95 इंच का काफी लंबी डिस्प्ले दे रखा है। 418Hz का ब्राइटनेस है और इस वाले फोन में आपको 5mAh की बड़ी बैटरी, 33W का चार्जर भी मिल जाता है, 50MP का त्रिपरीय कैमरा का सेटअप दे रखा है, 6GB का रैम है, 64GB का रोम है। यहाँ पर आपको डुअल स्टूडियो स्पीकर मिल जाता है। तो ये स्मार्टफोन उन लोगों के लिए बेस्ट होगा जिसे चाहिए एक मोस्ट बजट प्रीमियम गेमिंग स्मार्टफोन, तब ये स्मार्टफोन को देख लो। देखो भाई 500,000 रुपया ज्यादा पे करके एक अच्छा स्मार्टफोन को खरीदो, तभी आपके लिए बेस्ट होगा। यहाँ पर आप लोग किसी भी गेम को काफी हाई स्मूथ ग्राफिक में खेल पाओगे। वीडियो क्वालिटी एक नंबर है, यानी कि डिस्प्ले एक नंबर है, कैमरा भी इसका ओके है, बैटरी का भी काफी लंबी मिल जाती है, तो लंबी समय तक एंजॉय कर पाओगे। बाकी इजिली आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। इसका प्राइस है 12,999 6GB 64GB रोम के साथ और आपको ऑफर में 12,500 के आसपास मिल जाता है। तो मैं बोलूंगा 500 ज्यादा पे करके एक अच्छा स्मार्टफोन को खरीद लो, ताकि आपके लिए भी काफी बेस्ट होगा और लॉन्ग टाइम तक चलेगा। सो आज का वीडियो इतना ही। आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं इनमें से सबसे बेस्ट डिवाइस आपको कौन सा अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना। टेक केयर, बाय बाय।